मेहताब चौक, विस्परी नाका और पारवीपुर में महिलाओं के चैन खींचने की, पर्स चोरी होने की और 3 वारदातें सामने आई। वारदातों की समानता देखते हुए पुलिस का मानना ये है कि शायद ये किसी एक ही गिरोह का काम हो सकता है। कोल्हापुर च्या मेहताब चौक, विस्परी नाका आणि पारवीपुर विभागात आणखी 3 मंगलसूत्र, सोन्याची चेन आणि महिलांच्या पर्स खेचण्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत। चोरीच्या अशा घटना कोल्हापुरात आजकाल काही नवीन राहिलेल्या नाही। चेन स्नॅचिंग आणि लूटमारीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहे। चोरीच्या या घटनांमधील साम्य पाहता इन चोरियों को कम करने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है हमारे पास, और हेडक्वार्टर के गुस्से की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। ये गैंग भी सबसे ज्यादा हमारे एरिया में एक्टिव है और अभी तक एक भी लीड नहीं है हमारे पास। सर, पुलिस पेट्रोलिंग हमने दुगनी कर दी है लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ताड़ी, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सादे कपड़ों में भी कभी बाहर जाएगा। जहां जहां पर भी ये केसेस हुए हर जगह पर नजर रखो। मुझे इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ना है। ताड़ी, मूव। कोल्हापुर पुलिस इस ढीठ गिरोह के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। पुलिस की चलाई इस मुहिम से चेन स्नैचिंग और चोरियों के केसेस कम तो हुए थे लेकिन पूरी तरह से नहीं। पुलिस जानती थी कि ये नया गैंग फिर से अपना सर उठाएगा और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उन्हें जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। पुलिस जब इस गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए निकली तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जो विचित्र था, अकस्मात था और पुलिस की सोच के भी बाहर था। क्या है भैया, ये रोज रोज का धंधा फान लिया आप लोगों ने? अरे हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप जो मर्जी ऐसा करिए। पैसा लगता है, फ्री में नहीं आती है पुड़ियां। अबे पैसा तो यार बैठने का भी लगता है और हमने तो अब तक तेरे से हफ्ता लेना शुरू भी नहीं किया है। आज से शुरू, चल निकल, दिन का 100 रुपया। और देखो मालूम है हम लोग कौन है, क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। नुकसान काहे कर रहे हो भैया, देखिए हम थाने में जाएंगे, शिकायत कर देंगे। थाना में शिकायत? क्या हो रहा है यहां पर? ओ भाई, ये हमारा मामला है, तुम अपना काम करो ना। अपना ही काम कर रहा हूं, पुलिस वाला हूं। क्या मांग रहे थे लोग? साहब वो डरो मत, बताओ मुझे। अरे साहब कुछ नहीं, ये तो रोज का टाइम पास है हमारा। हफ्ता मांगना कब से टाइम पास हो गया? हफ्ता मांग रहे थे लोग? हाँ साहब। अरे साहब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे साहब। चलो जेल में तुम्हारी मस्ती निकालता हूं। अरे साहब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे साहब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे साहब प्लीज, कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया, चल साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। सर हम तो कॉलेज स्टूडेंट है सर, और वो भेल वाले के साथ मजाक कर रहे थे सर। सर जिस तरह से ये दोनों मार्केट में घूमते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये वो चोरी करने वाले गैंग के मेंबर्स हैं। गैंग? कौन सा गैंग साहब? हम किसी गैंग मैन को नहीं जानते। सर इनकी हरकतों से लगता है कि या तो इन चोरियों में शामिल है या तो उस गैंग तक खबरें पहुंचाते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? साहब हम तो कॉलेज स्टूडेंट है साहब, हम मजाक कर रहे थे उस भेल वाले के साथ। ताड़े तुम्हें पूरा यकीन है कि ये दोनों उसी गैंग के मेंबर्स हैं जो आजकल चोरियां कर रहे हैं? 100% साहब। पर इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है ना? मिल जाएगा सर, दोनों की चमड़ी उधेड़ लूंगा, सब उगल देंगे। शेख चमड़े का पट्टा ला। सर 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 आप ही हमें बचा सकते हैं सर। सर हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सर, हमने कुछ नहीं किया। ताड़े कुछ मत कहना इसको,
शेख, इसको मेरे केबिन में ले गया। शेखर बोर्डे, मोहन बाग कॉलेज, बीए सेकंड ईयर। असली है सर, मैंने कहा ना मैं सच में कॉलेज स्टूडेंट है, वो साहब को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है मेरे बारे में। तुझे लेकर हुई होगी शेखर, पर तेरा जो ये दोस्त है ना, ये मुझे गड़बड़ देता है। क्या नाम बताया तूने इसका? प्रसाद करांडे। मगर साहब वो भी मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। था मतलब? मतलब साहब वो इसी साल से नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है ना कॉलेज के साथ फुल टाइम जॉब करना। लेकिन साहब प्रसाद फुल टाइम जॉब नहीं करता है। तो फिर फुल टाइम क्या करता है? चोरी, चेन खींचना। देख प्रसाद, तेरे जोड़ीदार ने सब उल्टी कर दिया है। मतलब शेखर ने हमारे साहब को बताया कि तू चेन खींचने वाले गैंग में शामिल है। अरे नहीं नहीं साहब, वो झूठ बोल रहा है साहब। उसने तो आगे ये भी बताया कि तू उसे इन सब में खींच रहा है। साहब मैं क्यों फंसाऊंगा साहब, वो खुद फंसा हुआ है और मुझे भी फंसा रहा है साथ में। क्या मतलब? साफ साफ बोल। देख अगर तू सरकारी गवाह बन जाता है तो इस सबसे बच सकता है। चल बोल। साहब शेखर ने साहब बहुत बड़ा कांड किया है। कांड? कैसा कांड? शेखर ने पुणे में एक आदमी का मर्डर किया है साहब। क्या ये दो कॉलेज स्टूडेंट शेखर और प्रसाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे, जैसा कि क्रिमिनल्स अक्सर करते हैं? या फिर कोल्हापुर पुलिस के हाथ कोई ऐसा केस लगने वाला था जो अब तक गुमनामी की कब्र में दफन था? मत मारो साहब, मत मारो साहब, कुछ नहीं किया साहब। चल बोल, बोल पुणे में तूने किसका मर्डर किया था? बोल। अरे साहब वो प्रसाद झूठ बोल रहा है साहब, वो कुछ भी बोल रहा है साहब, मैं पुणे गया ही नहीं साहब, कोई मर्डर नहीं किया साहब, वो मुझे फंसा रहा है साहब, प्लीज। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मिलकर हमें फंसा रहे हो। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब, साहब छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो साहब, कुछ नहीं किया है साहब, साहब छोड़ दो साहब, सब कुछ नहीं किया साहब। अब तुम दोनों मिलकर मुझे बताओ कि कौन किसको फंसा रहा है और क्यों। हे प्रसाद, तू बेड़ा साला है का? क्या बक रहा है? कब गया था पुणे और कौन सा मर्डर, कैसा मर्डर? ये साले शेखर, तेरे कारण मैं इस लफड़े में फंस गया और तू मेरे को फंसा कर निकलना चाहता है। ए, ज्यादा ड्रामा नहीं, नहीं तो मुझे एक मिनट भी लगेगा इस ड्रामे का पट्टा गिराने। शेख चला लेके तो आज चमड़े का पट्टा। नहीं नहीं सर, मेरे को मार नहीं खाना है सर, और ये शेखर ने मेरे को मिलने बुलाया था सर। क्या रे शेखर, अचानक से पुणे क्यों गया था? अरे मैं अकेला नहीं गया था रे, वो अपना संजय डांगी है ना, वो लेकर गया था मेरे को, वाट लगा दी साले ने। यो ऐसा क्या हुआ पुणे में? कांड हो गया यार, मर्डर हो गया। तू क्या मर्डर? अरे मैं अकेला नहीं था रे, लेकिन देख प्रसाद, इस बारे में किसी से चूं तक नहीं करना, तू लाई ची शपथ है। हाँ ये संजय डांगी कौन? सर ये प्रसाद को कुछ हो गया, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, इसी ने कुछ किया होगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। कौन है संजय डांगी? सर वो अपना सिविल हॉस्पिटल है ना, उसमें वार्ड बॉय का काम करता है, इसी का दोस्त है, इसी ने मुझसे मिलवाया था। शेखर आजा सांग की ये भी छूटे, सांग ना। अरे चचा, अरे ये रोने धोने से जल्दी नंबर नहीं आएगा। हाँ ये आपको ना ये 200-300 रुपए देना ही पड़ेगा। हाँ बाबा कानून है ना यहाँ का, चचा देना तो पड़ेगा, कानून पता है लॉ। क्या रे डांगे, बहुत कानून झाड़ रहा है आजकल। हाँ प्रसाद, शेखर और संजय, तुम तीनों मुझे सच सच बताओ, क्या कांड किया तुम लोगों ने, किसका मर्डर किया, कब किया है, कहां किया है और क्यों किया है? जितना जल्दी तुम बोलोगे उतना कम अस्पताल में रहना पड़ेगा तुम, उतनी कम हड्डियां टूटेंगी तुम्हारी। साहब मैं बताता हूं सर, पूरी बात बताता हूं, मेरे को ये सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था सर। दांगे मेरे को फोन किया और बोला आ जा दोस्ती खाते में, पर मैं चला गया साहब। Thank you.
बात करनी। कह रहे संजय, इतना अर्जेंट में कह को बुलाया? अबे एक काम है, करना है। क्या काम है? एक पुणे जाना है, एक आदमी को धमकाना है, फिर रिटर्न। खाना पीना दारू बीरू सब काम के 2000 रुपये मिलेंगे। कुछ नहीं, जाने का है, पार्टी करने का, पिकनिक करने का, रात को वापस रिटर्न। हमको नहीं मालूम वो आदमी कौन था। ओहो साहब, हम लोग तो सिर्फ धमकाने के लिए गए थे। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर। सच में बता लिया सर। तो तुम तीनों क्या पुणे ऐसे ही चले गए थे अजनबी का मर्डर करने? नहीं नहीं साहब, वो तो वो नागेश गांगुटे का पहचान वाला था साहब। मैं भी उसी के बुलाने पर गया था साहब। ये पर नागेश पैसा कितना मिलेगा? अरे वो छोड़ रहे, तू पहले हाँ या ना बोल। अच्छा देख, पुणे जाने का है, एक आदमी को धमकाने का, वापस आने का, बाकी कुछ करना नहीं ना, इतना ही करना है ना। इतना ही अभी बोल चलेगा। इपन तू पैसा बोल रही है साहब? ये नागेश अपना निरीक्षा कॉलेज में पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में है वो। मैडम इस नागेश को उठा लो। सर। संजय तेरे को सच में नहीं मालूम वो आदमी कौन था? देवा शपत साहब, कुछ भी नहीं। वो नागेश मेरे को बोला कि उस आदमी का कुछ लपड़ा है उसके साथ, उसको धमकाने का है, इसीलिए मेरे को लेके गया और बोला साथ में एक आदमी लेके आ, तो मैं ये शेखर को ले गया। पर ये मर्डर का प्लान कुछ नहीं था साहब, जो भी हुआ वहां पहुंचने के बाद हुआ। हेला इसको धमकाना है, इसको पहले से पी के आउट पड़ा है रे। धमकाना नहीं है, टपकाना है। क्या मजाक कर रहा है कुणाल, इतनी दूर से हम लोग को क्या टाइम पास के लिए बुलाया इधर? पागल है क्या? सच्ची प्लान में चेंज हुआ है, इसको अभी के अभी खलास करना है। वे क्या नाम है तेरा? संजय डांगे। हाँ, तू और तेरा ये दोस्त दोनों पैर पकड़ कर रखो इसके, और नागेश तू इसके दोनों हाथ ऊपर पकड़ के रख। मैं इस तकिए से इसका काम तमाम करता हूँ। ये नागेश येड़ा हो गया क्या ये? मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। ए चल बे शेखर। हाँ चल चल, मेरे को भी लफड़े में नहीं पड़ने का है। तू तो पागल हो गया, मेरे को भी फंसने का नहीं है लफड़े में। ए सोच लो ना, तुम लोगों के बिना भी अकेला मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन नाम तो तीनों का आएगा, और अगर नहीं आया ना तो भी मैं गारंटी देता हूँ आएगा। देखो तू फंसा रहा है हम लोग को, है माला माल भी तो कर रहा हूँ ना, सबको 2000 की जगह 5000 दे रहा हूँ, और वो भी रोकड़ा। चलो अब जल्दी करो, चल देर हो जाएगी। चल 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 चल, पैर पकड़ो इसके जल्दी। चल चल आराम से ले गया, आराम से संभाल के चल चल चल, जल्दी जल्दी। याना कहाँ जाला? अरे कुछ नहीं काका, वो अचानक बेहोश हो गया ना, इसलिए अस्पताल लेके जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।
अबे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तुम लोग नीचे उतरो और बॉडी को नीचे लिटा दो। नीचे उतरो मतलब? ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये लोग बस पकड़ कर कोल्हापुर जाएंगे। चलो यार जल्दी नीचे उतरो। अरे क्यों? लेकिन क्योंकि तुम और मैं लाश को ठिकाने लगाएंगे। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मगजमारी। ये ले पैसे ले और बॉडी को नीचे लिटा दे जल्दी। चल फटाफट कर। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों के इस बकवास पर विश्वास कर लूंगा कि तुम लोगों ने एक ऐसे आदमी का मर्डर कर दिया जिसका तुम्हें नाम भी नहीं मालूम? साहब मैं छोटे बच्चे की कसम खाता हूँ, मेरे ऐसा ही हुआ था। हाँ साहब हम लोगों को उसका नाम तक नहीं मालूम। इलाके का नाम बोलो, घर का नंबर बोलो, जल्दी। सॉरी साहब लेकिन हम लोगों को वो भी नहीं पता। हम लोग पुणे में नए थे साहब, इसलिए ज्यादा पूछताछ नहीं किया, बस चले गए उस नागेश के साथ। सर ये नागेश कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, कॉलेज में भी नहीं और घर वालों को भी नहीं पता, मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ है। बोल कहाँ है नागेश? साहब 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 मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे को नहीं पता कि ये नागेश कहाँ है। हाँ पर साहब एक बात है। बोल। साहब उस दिन मुझे उस गाड़ी में एक बटुआ मिला था। किसका बटुआ? वो मुझे नहीं पता साहब, पर मैंने ना वो बटुआ मेरे घर में छुपा के रखा है साहब, अब तक मैंने कभी वो खोल के भी नहीं देखा साहब। आई शपथ। पढ़ लो। जावेद मिर्जा, पुणे का एड्रेस। पुणे हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो कि जावेद मिर्जा का पता लगाएं। जी ये जावेद मिर्जा का घर है? जी हाँ मैं उनकी बीवी वाहिदा। जावेद कहाँ है? वो हैदराबाद गए हैं सर। क्या काम करता है वो? वो ब्रोकर है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उसका नंबर दीजिए। 444-88 The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कब गए हो हैदराबाद? 4-5 दिन पहले गए हैं सर। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई? जाने के पहले बात हुई थी। उनका मोबाइल फोन खराब है सर। मतलब 4-5 दिनों से आप दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई? नहीं आखिर बात क्या है, ऐसा पहले भी हुआ है साहब, बताइए ना क्या हुआ है। सर पुणे से फोन आया था कि जावेद मिर्जा पुणे का ब्रोकर है, किसी डील के लिए हैदराबाद गया था, फिलहाल उसका फोन स्विच ऑफ है। ताड़े कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गैंग ने जावेद मिर्जा को भी ठिकाने लगा दिया हो? एक मर्डर की कहानी सुनाई गई थी पर सवाल यह था कि क्या वाकई में कोई मर्डर्स हुए थे या फिर ये कोई खिचड़ी पकाई जा रही थी। पुलिस कस्टडी में दो ऐसे लोग थे जो मर्डर में शामिल होने की बात कबूल कर रहे थे पर वो ये कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ उस आदमी को धमकाने के इरादे से बुलाया गया था और बाद में प्लान बदल दिया गया। कौन था ये शख्स जिसने प्लान बदला था, क्या था उसका मकसद? इस शख्स तक पहुंचने का पुलिस के पास सिर्फ एक ही तरीका था, कोल्हापुर के लोकल कॉलेज का स्टूडेंट नागेश गांगुर्डे। कौन आदमी है जिसने तुझे पुणे बुलाया था धमकाने के लिए फिर तुमसे मर्डर करवाया? कौन आदमी? सर मैं पुणे गया था, मैंने किसी का मर्डर किया? सर सर आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ तेरा दोस्त संजय और संजय का दोस्त शेखर, इन दोनों ने हमें बता दिया कि वो तेरे कहने पर तेरे साथ पुणे गए थे। मेरे कहने पे ये डालस कर उड़ाएंगे? पागल हो गया कैसे? फालतू बोल रखा है साहब लोग को तूने। मैंने कुछ नहीं बोला रे, इसने बोला सब कुछ। मैंने भी कुछ नहीं बोला, इसने बोला। साहब साहब ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोले मेरे को मालूम नहीं है साहब। ए नागेश कोटनों को बोला जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सच सच बता दे,
तो तेरे चक्कर में हमको और मार पड़ेगी। चल बोल। सर सच बोलूं तो मेरे को भी मालूम नहीं था वो आदमी कौन है करके। कुणाल ने बोला एक आदमी को धमकाना है तो मैं चला गया उसके साथ। ये कुणाल कौन है? कहाँ रहता है? सर कुणाल मोहिते मेरा दोस्त है, महाबलेश्वर में रहता है। मुझे नहीं पता था उसका मर्डर का प्लान है। क्या बात, तो तुझे भी नहीं मालूम था कि मर्डर करने वाले हैं? हाँ फिर तो तेरे दोस्त कुणाल मोहिते को भी नहीं मालूम होगा। नहीं पर कोई बात, शायद लाश हमें खुद बता देगी कि वह किसकी है। लाश को कहाँ ठिकाने लगाया नागेश? सर वो जंगल में, पंचगणी के जंगल में। तो तुमने और कुणाल ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाया? जी सर। सर वो संजय और शेखर के जाने के बाद हम लोग यही रास्ते पे आगे बढ़े थे। चल चल आराम से संभालते, यहाँ से चल संभाल के। नागेश ये जगह मुझे ठीक लग रही है, यही रखते हैं। चल संभाल के। सुन मैं सामान लेकर आता हूँ गाड़ी से, तू यही रुक। जल्दी चल। पाटिल पंचगनी जंगल में एक लाश खोजनी है, तुरंत एक टीम भेज दो। केरोसिन इसी कैन से डाला था? हाँ सर। ताड़े इन हड्डियों को इकट्ठा करके फॉरेंसिक भिजवा दो। सर उठाओ। मला खरच माहित नहीं है सर, मला खरच माहित नहीं है। मेरे को मालूम नहीं तो सर कैसे बताएगा सर मैं आपको? तुझे नहीं मालूम तो फिर किसको मालूम है? हाँ कुणाल, कुणाल, कुणाल को सब पता है सर। कहाँ मिलेगा ये? महाबलेश्वर में, उसके घर का एड्रेस लेकिन मालूम नहीं है सर मुझे। उसका नंबर पता है सर मुझे। नंबर बोल। 4456789 32। साढ़े फोन मत कर, इस नंबर से उसका एड्रेस निकलो, महाबलेश्वर जाकर उठा लेते हैं सारे। Thank you.
जी सर। कुणाल भाई थे? होए साहब। आइए ना सर, अंदर आइए। नहीं, अंदर तुझे जाना है। चल घरे आला। लेके साहब। आओ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, फिर बात समझने की कोशिश कीजिए। फिर बात में कुटे क्यों जाता रे? दादा, दादा कुणाल लेके जा रहा। कुणाल, अरे क्या हुआ? साहब रुको। दादा कुणाल, दादा क्या लेके जा रहा है? साहब, अरे साहब क्या है? साहब रुको, थामो। साहब रुको। दादा कुणाल, साहब आप मुझे ये तो बताइए कि आप मुझे किस चार्ज पर अरेस्ट कर रहे हैं? बहुत कानून जानता है तू कुणाल। साहब ऐसी बात नहीं है, बस पढ़े लिखे लोगों को अप डाउन कराता हूँ। टूरिस्ट ड्राइवर हूँ ना साहब। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है साहब, शायद आप किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं साहब। आप दरअसल पंचगनी के जंगल में हम कुछ ढूंढने गए थे और हमें वहाँ कुछ और मिला। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। वो लाश पूरी तरह से जली नहीं थी कुणाल। कौन सी लाश साहब? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कुणाल, कि वो लाश किसकी थी। देखिए, इस स्कल या इन बोन्स की स्टडी करके ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि ये एक्चुअली किसका है, या ये कितना पुराना है, या इसके साथ क्या हुआ था। मतलब ये काफी पुराना भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र पता लगाई जा सकती है। इसके लिए हमें अलग कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ये हम यहाँ नहीं कर सकते। ये बोन्स हमें मुंबई भेजने पड़ेंगे। मैं कर सकते साहब, मेरे लड़के ने आज तक कभी किसी पर हाथ तक नहीं उठाया साहब, सच। आपके बेटे ने एक आदमी का कत्ल किया है पूना में, फिर उसकी लाश को पंचगनी के जंगल में ठिकाने लगा दिया। नहीं 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 साहब, मेरा दिल नहीं मानता। कुणाल के बाकी साथी हमारी हिरासत में, उसने मर्डर पूना में किया है। क्या वो पूना आता जाता रहता है? क्या वो पूना आता जाता रहता है? हाँ साहब, उसका ऑफिस है पूना में। सर कुछ भी काम करने मिला, पड़ोसी को इकट्ठा करो। अच्छा, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है, ये उसकी कंपनी की? आमला ना माहित, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी यहाँ कब से खड़ी है? अभी काफ़ी दिनों से खड़ी है, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ कितने दिनों से। किसके? वो पता नहीं साहब, पर ये गाड़ी कुणाल लेके आया था और उस समय उसकी हालत देखने लायक थी। वो औरत पागल है, उसका हमारे परिवार के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। साहब मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो गाड़ी मेरी नहीं है और ना ही मैंने किसी को मारा है और ना ही मैंने किसी की लाश जलाई है। वो औरत बता रही थी कि काफी थकावा लग रहा था तू गाड़ी से उतरते वक्त, कपड़ों पर मिट्टी लगी थी तेरे, हालत खराब थी तेरी। काफी डिटेल में बता रही थी वो तेरी हालत के बारे में। 15 दिन पहले की बात उसको कैसे याद रहेगी साहब? अच्छा, मतलब 15 दिन पहले लेकर आया था तू उस गाड़ी को? सेकंड हैंड खरीदी थी किसी से? अरे नहीं नहीं साहब, वो मेरी कंपनी की गाड़ी है साहब, कल रात ही लेके आया था साहब मैं यहाँ। एक ही रात में गाड़ी के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई? हाँ, अभी तो तू कह रहा था कि गाड़ी तेरी नहीं है और अब कह रहा है कि कल रात को ही तू गाड़ी लेकर आया था और गाड़ी तेरी कंपनी की है। अरे साहब मैं बहुत टेंशन में हूँ साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर किसे मालूम है? या फिर लाश अपने आप प्रकट होगी जंगल में? पता नहीं सर। हेलो। हेलो, क्या ये पुणे का कृतेश शिंदे ट्रेवल से? हाँ मैं कृतेश शिंदे बोलते हूँ, आप कौन? शिंदे, मैं कोल्हापुर पुलिस स्टेशन से PI विनोद रोकड़े बोल रहा हूँ। दो सवाल हैं आपके लिए। हाँ पूछिए सर। ये MH03-17Y3 सफेद रंग की गाड़ी आपकी कंपनी की गाड़ी? नहीं साहब, ये तो मुंबई का रजिस्ट्रेशन है, हमारी सब गाड़ी पुणे की है। कुणाल मोहिते आपके यहाँ काम करता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ ही काम करता है वो। शिंदे साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कल रात को ये कौन सी गाड़ी चला रहा था? अभी हमारे पास सब इंडिका गाड़ी है, तो इंडिका गाड़ी चलाएगा ना। वो गाड़ी मैंने दूसरे ड्राइवर के हवाले कर दी। कुणाल आज आया नहीं ड्यूटी पे। थैंक यू। शिंदे साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कल रात को ये कौन सी गाड़ी चला रहा था? अभी हमारे पास सब इंडिका गाड़ी है, तो इंडिका गाड़ी चलाएगा ना। वो गाड़ी मैंने दूसरे ड्राइवर के हवाले कर दी। कुणाल आज आया नहीं ड्यूटी पे। थैंक यू।
ये गाड़ी पुणे की है। पुणे आरटीओ से इस नंबर की डिटेल्स सर। कृणाल मोहित, संजय, नागेश, शेखर, इन तीनों को तो तुम जानते ही हो। इन तीनों का कहना है कि इन तीनों को नहीं मालूम कि तुम चारों ने मिलकर किस आदमी का मर्डर किया। क्यों उस आदमी का नाम बलराज कॉल तो नहीं? 6/230 रंगभूमि चौक, सिंजवाड़ी, पुणे। पता चला मेरे हस्बैंड के बारे में? आपने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी? बिल्कुल करवाई थी, 2 हफ्ते पहले सिंजावरी पुलिस स्टेशन में। देखिए, दरअसल हम कोल्हापुर पुलिस से आए। कोल्हापुर पुलिस? हम बलराज कॉल के घर गए थे, उसकी वाइफ ने हमें बताया कि वो मिसिंग है और उसने मिसिंग कंप्लेन इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। हाँ, बलराज कॉल को तो हम पिछले 2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं और उसका कोई सुराग मिला नहीं अभी तक। वैसे एक करता क्या है बलराज को? पुणे में इसका एक केटरिंग का बिजनेस है और उसके अलावा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। काफी अच्छा खासा बिजनेस चलता है इसका। किसी तरह की कोई एक्सटॉर्शन की धमकी, फैमिली वालों को किसी पर कोई शक? एक्सटॉर्शन तो नहीं, पर हाँ, उसकी फैमिली को एक औरत पर शक है, स्वाति नाम की। क्यों? इस बलराज कॉल की वाइफ के मुताबिक बलराज कॉल और स्वाति का अफेयर चल रहा था। हम लोग स्वाति के घर भी गए। तोड़ दूं सर? हमें बलराज कॉल की गाड़ी मिली थी। कहाँ पे? महाबलेश्वर के। महाबलेश्वर कैसे पहुंची? यही तो पता लगाना है। शायद बलराज कॉल की फैमिली कुछ मदद करती। देखिए, आपको घुमा फिरा कर पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सामने से बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर था उस स्वाति के साथ। कब से था? वो पता नहीं है, पर पिछले 2 सालों से मुझे तो मालूम है और मेरी बेटी नम्रता को भी मालूम है। दरअसल सारी दुनिया को मालूम है इसके बारे में। और आपको शक है कि आपके हस्बैंड के गायब होने के पीछे स्वाति कसारे का हाथ? मैं बीवी हूँ और स्वाति दूसरी औरत, और न जाने और कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उनकी, मुझे नहीं पता है। और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। मेरा उनके साथ रिश्ता सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। ये जावेद मिर्जा कौन? वो मेरे पापा के क्लोज फ्रेंड हैं। पर आपको पापा के बारे में कुछ पता चला? देखिए, हमें शक है कि उनका मर्डर हो। मुझे पापा को देखना है। हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें जली हुई हड्डियों के अवशेष मिले। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बलराज के ही हैं? देखिए, उनके कातिल हमारी कस्टडी में है। उनका कहना है कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले मर्डर करके बॉडी को जला दिया। बलराज कॉल गायब है, इसका दोस्त जावेद मिर्जा ट्रेस नहीं हो रहा है, और इसकी गर्लफ्रेंड स्वाति कसार है जिस पर शक है, वो भी गायब है। सर, हो सकता है इस कुणाल को किसी ने सुपारी दी हो बलराज को मारने के लिए, और मर्डर हुआ स्वाति के घर पे, और कुणाल ने वाकई में बाकी तीनों को नहीं बताया हो कि मर्डर होने वाला है और किसका होने वाला है। पर ये जावेद मिर्जा का क्या चक्कर है, और इसका पर्स बलराज कॉल की गाड़ी में क्या कर रहा है? सर, शायद वो भी इस प्लान में शामिल हो सकता है। पर ये प्लान है क्या? हम लोगों का पक्का प्लान बना था कि कोई कभी मुंह नहीं खोलेगा,
और तुम तीनों इतने कमजोर निकले। अरे कुणाल तू फालतू मत बोल, एक तो तेरी वजह से हम लोग इधर पहुंचे समझा क्या, ऊपर से ये फट्टू डांगे इसने सब कुछ उगल दिया पुलिस वाले के सामने। नागेश तुम्हारा क्या बोलते रहे, बोलना है तो इसको बोल, ये फट्टू साला शेखर इसके वजह से मेरे को भी पकड़ा पुलिस ने। मैं कहीं को मुंह खोलेगा, पागल है क्या मैं, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। वो तो मेरा बैड लक ही खराब है कि ये रोंदू बच्चा आके मेरी गोद में गिर गया। प्रसाद अभी मुंह क्या छुपाता है, सांगना था। यही वो आदमी है ना जिसका तुम चारों ने मिलकर मर्डर किया? हाँ सर। नाम क्या है इसमें? बलराज कॉल। क्या दुश्मनी थी इससे तेरी? साहब मैं उसको पहचानता तक नहीं था। फिर किसके कहने पर कांड किया ये? वो मेरी ताई के कहने पर, मेरी दूर की बहन लगती है वो, सुवाती नाम है उसका। सुवाती ताई आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस बलराज से मिलकर उसे अपने स्टाइल में सब कुछ समझा दूंगा। नहीं रे, समझाने बमझाने का टाइम गया अब, जब तक वो है मेरी जिंदगी नरक ही। अब उसे नरक में भेजने का टाइम आ गया। इस वक्त कहां मिलेगी तेरी स्वाति ताई? मुझे नहीं मालूम साहब। रोकड़े साहब ये स्वाति नाम की पहेली जो है वो उलझती जा रही। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पर किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे तो अब लगने लगा है कि शायद इस स्वाति को भी ना मार दिया गया है। शेखर और संजय को नागेश ने पुणे बुलाया, फिर कुणाल मोहिते ने इन तीनों के साथ मिलकर बलराज कॉल का मर्डर किया और लाश को पंचगनी के जंगल में चला दिया। कुणाल मोहिते के मुताबिक इस सब के पीछे उसकी दूर की बहन स्वाति है, लेकिन पुणे पुलिस को स्वाति के बारे में कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने स्वाति को भी रास्ते से हटा दिया? बलराज कौल का दोस्त जावेद मिर्जा भी गया, कौन हो सकता है जिसे इन सब के ना होने का फायदा? क्या फायदा होगा कोल्हापुर जाकर, यहां बैठकर भी कौन सा बड़ा फायदा हो रहा है मामा? बेटा उन्हें सिर्फ कुछ अस्थियां मिली है, वो किसी की भी हो सकती है, पापा की भी हो सकती है। मैं कोल्हापुर जा रही हूँ, आपके साथ ही आपके बगैर। सर धाड़े, पुणे पुलिस से इस केस के सारे पेपर्स मांगो, बलराज कॉल की मिसिंग रिपोर्ट से लेकर उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक, स्वाति का सारे तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस किस से बात की, उन्हें क्या क्या जवाब मिले, हर छोटी से बड़ी रिपोर्ट मुझे टेबल पर चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि स्वाति का सारे नाम की कोई औरत है भी या नहीं, और अगर है तो फिर कहां? अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन बलराज कॉल गुमशुदा है, शायद उसे मार दिया गया है और वो कभी वापस नहीं आएगा। उसका करीबी दोस्त जावेद मिर्जा भी ट्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन जावेद का वॉलेट बलराज कॉल की कार में संजय डांगे को मिला था जिसने बलराज की हत्या कबूल की है, लेकिन बलराज की अस्थियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। इस केस में अब मास्टरमाइंड एक औरत स्वाति को माना जा रहा था जिसने इस हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन वो रहस्यमय औरत भी गायब थी। वो जिंदा थी या मारी गई थी या फिर वाकई में कोई ऐसी औरत थी भी या नहीं, ये सब अभी सामने आना बाकी था। क्या थी इस केस की असलियत? ये केस अचानक से मानो एक्सीडेंटली कोल्हापुर पुलिस की गोद में आ गिरा था जब वो चेन स्नैचिंग गैंग का पीछा कर रहे थे, लेकिन अब ये केस एक भंवर बनकर हर दिन एक नया विकराल रूप धारण कर रहा था। क्या पुलिस सही दिशा में जा रही थी या फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस को भी उसके लपेटे में ले लिया गया था? इस विचित्र और सनसनीखेज केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।